हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जहां पर मैं डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कॉल्स देता हूं। बहुत सारे अच्छे कॉल्स हैं जहां पे आपका काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। मैं ऑलरेडी उसकी एक वीडियो बना चुका हूं और ग्रुप में भी आप जाओ तो आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और अप्रोक्स 10 शेयर दिए हैं, सभी के सभी गुड पोजीशन पे हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे चुके हैं। तो गाइस अभी शेयर के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी लोग के मैसेजेस आए कि ये शेयर हमें बाय करना चाहिए कि नहीं, गंगा फोर्जिंग इज़ इन अ गुड कैटेगरी टू बाय और नॉट। तो अभी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। वन डे का इसका मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये यहाँ 7.15 से अप्रोक्स 2% नीचे गिरा है, 7 पॉइंट तक आया है। बट वन वीक के अंदर आप देखोगे तो एक 720 पे गया, 690 पे गया, 715 पे गया। तो कैसे आपको बता दूँ, ये शेयरों के अंदर ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट 14 रुपये मिल जाएंगे। आप अपना एक स्ट्रेटेजी लगाइए, कुछ अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करिए। ये एक पर्सनल सलाह है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर अच्छा ही है, बट पर्सनल सलाह ये है कि ये शेयर क्या होता है, पहले जैसे 7 रुपये पे अभी मूविंग कर रहा है तो अभी ये 10 रुपये तक चला जाएगा, फिर वापस 7 पे आ सकता है। तो आप ऐसा कुछ करिए कि आपका 2-3 रुपये का ऊपर इंक्रीमेंट हो, आपने काफ़ी अच्छा अमाउंट अगर इसमें लगा रखा है तो आपको एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। वो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। हर चीज़ मैं आपको नहीं शो कर सकता, तो कुछ चीज़ें अपने आप से भी करनी पड़ती हैं। बट अगर टेक्निकल व्यू और हर एक साइड से इसको देखा जाए तो शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इन्वेस्ट करके छोड़ देना तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, शेयर काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो गाइज अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी इस शेयर के अबाउट दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मिल जाऊँगा और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।